आज की मुश्किलें। मैनेजर ऑफिस के अंदर गीतांजलि अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़े कांच की दीवार के पास खड़ी थी। वो कॉफी पीते पीते अर्पिता को प्रिंटर के पास खड़े देख पा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्पिता को क्या लगता है कि एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट लिखने के बाद उसके पास सारी पावर आ गई है। शुरुआत में उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्पिता मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेगी। आखिरकार ये उसका खुद का डिपार्टमेंट था, तो यहाँ उसके खुद के लोगों का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होता। अदिति भले ही बेवकूफ थी, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छी और गीतांजलि की बात मानने वालों में से थी। ऐसे लोगों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जा सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि संजय अर्पिता को इस तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब देकर उसे एम्बैरेस्ड करेगा। गीतांजलि ने अपनी नजरें अर्पिता पर और भी गहरी की। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गया। हर अच्छा परफॉर्मर अपनी काम करने की जगह पर पॉपुलर हो, ऐसा जरूरी नहीं। जो कि अर्पिता को रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसे रूल्स को लेकर सबक सिखाना सबसे बेस्ट होता। उसे ये जानना बहुत जरूरी था कि यहाँ उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अर्पिता को स्प्रिंटर के सामने खड़ा देख उसकी ऐसी हालत को देखकर गीतांजलि को सुकून मिलने लगा। अर्पिता मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंटर्न से भी ज्यादा बिजी दिखाई दे रही थी। अर्पिता जरूर अगले दो दिनों में उसके पास आकर अपने काम को लेकर कंप्लेंट करेगी, और अगर अर्पिता काम करने के लिए कंप्लेंट करेगी तो उसके पास ये जॉब छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। गीतांजलि इस बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगी और वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई, और अपनी जगह से अर्पिता को देखते हुए वो उस पर तरस खाने लगी। प्रिंटर के पास अर्पिता ने अभी अभी कुछ प्रिंट आउट को निकाल कर स्टेपल किया और अपने पास बैठे कलीग को देने लगी। वो अभी राहत की सांस ली थी कि दूसरा कोई एम्प्लॉय उससे पूछने लगा, अर्पिता मेरी प्रिंट आउट कब तक दोगी तुम? बस दो मिनट। वो सांस भी नहीं ले पाई वापस बिजी होने से पहले। रश्मि बिल्कुल सही थी। ये सच था कि उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने के तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो शायद इंटर्न से भी कम जानकारी होगी। उसके जैसा सुपरवाइजर कुछ भी कर ले, लेकिन अपने कलीग के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाएगा। हर एक न्यू कमर को नई जगह में एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, और साथ ही ये उसके लिए डिफिकल्ट भी होता है। प्रिंट आउट निकालना ठीक था। वो अपने फ्री टाइम में ये देख सकते थे कि बाकी कलीग्स कैसे काम करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं। अर्पिता इस बारे में सोचकर और भी मोटिवेटेड महसूस करने लगी। वो जल्दी जल्दी अपने कलीग्स को प्रिंट आउट निकाल कर देने लगी, और उसने उसके फैक्स भी कर दिए। साथ ही साथ उसने छोटी छोटी रिपोर्ट को पढ़ने का भी टाइम निकाल लिया, जो कि उन प्रोजेक्ट के बारे में थी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा था। जब कोई बिजी होता है तो समय जल्दी बीत जाता है। लंच टाइम होने पर आखिरकार उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। जब वो अपनी जगह पर जाकर बैठी, उसके कलीग्स ने पहले ही लंच पर जाने का प्लान बना लिया था, उसे अकेला छोड़कर। अर्पिता ने ध्यान से डॉक्यूमेंट के आखिरी फाइल को अरेंज किया और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से चली गई। जब वो ऑफिस की कैंटीन पहुंची, वहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट के और भी लोग मौजूद थे। वो चाहती थी कि वो लोग उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाएं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो चुप हो गई। अदिति को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए सस्पेंड किया गया है, क्या पता वो कब वापस आ जाए। तुम्हें नहीं लगता अर्पिता के इतने करीब जाना ठीक नहीं होगा? ये सुनकर जो कलीग अर्पिता को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाना चाहता था, वो चुप हो गया। अर्पिता ने कैंटीन से अपना खाना लिया और कोने में खाली टेबल पर जाकर बैठ गई। वो अपना खाना खाने ही वाली थी कि उसने किसी को पीछे से उसकी ओर आते हुए देखा। प्यारी दीदी। अनन्या गुलाबी कलर का प्रिंसेस गाउन पहने हुए थी। उसके बाल कॉपर हाई पोनी में बंधे हुए थे। उसका छोटा नाजुक चेहरा गुलाबी हो गया था। वो अपने छोटे छोटे पैरों से अर्पिता की ओर भागने लगी, और पलक झपकते ही वहाँ अर्पिता के गले से लिपट गई। अनन्या। अर्पिता कुछ देर तक अनन्या को देखती रही और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने छोटे से सर को हिलाते हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्पिता को देखते हुए वो कहने लगी, मैं यहाँ पर प्यारी दीदी के साथ खाना खाने आई हूँ। अनन्या की बात सुनकर अर्पिता को बहुत अच्छा लगने लगा। अगली ही पल उसने अनन्या की नाजुक और छोटी उंगलियों को ऑफिस की कैंटीन की ओर इशारा करते हुए देखा। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो कहने लगी, डैडी भी साथ आए हैं। अर्पिता ये सुनकर खामोश हो गई।
वो अपना सिर उठाकर अनन्या की नजर जहाँ थी वहाँ देखने लगी। दूर से कोई आता हुआ दिख रहा था जिसे सब विश किए जा रहे थे। उसकी स्टेटस की वजह से वो सबका अटेंशन पा लेता था। मिस्टर संजय, कैंटीन में बैठे सारे एम्प्लॉय संजय को देखकर उठ गए और उसे विश करने लगे। मेरे तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से अपना खाना खाइए। संजय अपनी चारों ओर देखते हुए अपने आसपास के माहौल को नॉर्मल करते हुए कहने लगा। उसने अपनी नजरें उन लोगों से हटाई और जहां अर्पिता खड़ी थी वहां जाने लगा। मिस्टर संजय, संजय को देखकर अनन्या को गोद में लिए बैठी अर्पिता जल्दी से अपनी जगह से उठ गई। हाँ, अर्पिता अनन्या को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन वो उस खड़ूस से भी टकराना नहीं चाहती थी। संजय ने जैसे ही अर्पिता की ओर देखा, अर्पिता को लगा कि इसके देखने भर से उसका पेट खराब होने लगा है, और अगर ये लोग साथ में खाएंगे तो क्या होगा। मिस्टर संजय, क्या आप भी यहाँ खाना खाने आए हैं? अर्पिता सावधानी पूर्वक पूछने लगी। संजय चुप था। वो अपनी नजरों से अर्पिता की चतुराई को नापने की कोशिश कर रहा था। वो धीमे से कहने लगा, अनन्या के साथ आया हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, और साथ ही साथ खाना खाने भी। कुल मिलाकर कहे तो संजय ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अर्पिता का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अर्पिता समझ रही थी वो क्या कहना चाहता है। अगर अनन्या कभी अर्पिता को ढूंढते हुए ऑफिस के कैंटीन में नहीं आती तो वो कभी ऑफिस के इस कैंटीन में कदम भी नहीं रखता। यही सोचते हुए क्या अर्पिता संजय की रूडनेस के पीछे की अच्छाई को देख नहीं पा रही थी? क्या मैं आपको ट्रीट दूं? अर्पिता सावधानी पूर्वक संजय से पूछने लगी। भले ही उसने एक पल भी बिना रुके बिना हिचकिचाए संजय से ये बात पूछ ली, वो अपने मन में ये सोच रही थी कि काश संजय उसे मना कर दे। आखिरकार वो इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था और उसे अर्पिता के पैसों की क्या जरूरत थी। वो नहीं चाहता होगा कि अर्पिता उसे ट्रीट करे खाने के लिए। वो जरूर उसे ना कह देगा, है ना? बिल्कुल, संजय ने चुपचाप एक ही शब्द में अपना जवाब दे दिया, और यहाँ अर्पिता को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वो उसे ऐसे घूरी जा रही थी जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि उसने आखिर क्या कहा। वो अपनी आंखें संजय की ओर कसते हुए उसे पूछने लगी, क्या कहा आपने? बिल्कुल, तुम मुझे खाने के लिए ट्रीट दे सकती हो, संजय उसके सरप्राइज चेहरे को देखकर कहने लगा। इससे पहले कि अर्पिता को अपने ख्यालों से बाहर आने का मौका मिल पाता, संजय पलटकर अपने असिस्टेंट को कहने लगा, मैं कैंटीन की सबसे अच्छी डिश की 3 प्लेट अपनी टेबल पर चाहता हूँ, और उसका पैसा सुपरवाइजर अर्पिता के महीने के एंड में मिलने वाले बोनस के अकाउंट में से काट लो। अर्पिता ये सुनकर दंग रह गई। असिस्टेंट को अपनी टेबल के सामने 3 प्लेट लगाता हुआ देखकर उसके दिल से खून निकलने लगा। ये तो कुछ भी नहीं, उन तीनों को कैंटीन की सबसे महंगी और बेस्ट डिश परोसी गई थी। लेकिन जो कि अर्पिता उसके खाने का पैसा भर रही थी तो उसने अपने लिए एक नॉर्मल डिश ही मंगवाई। आखिर इंसाफ कहाँ था? क्या अर्पिता अभी खुशी के मारे यहाँ वहाँ घूम सकती थी? उसे अब ऐसा लगने लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख उस पर ही टूट पड़ा हो। अर्पिता अपनी प्लेट में सलाद परोसने लगी, लेकिन उसकी नजरें संजय की प्लेट में पड़े रोस्टेड चिकन पर ही थी। पिछली बार उसने अर्पिता का रोस्टेड चिकन छीन लिया था, लेकिन इस बार तो वो उसके साथ थोड़ा शेयर करके उसे वो लौटा सकता था। क्या तुम ये खाना चाहती हो? संजय ने रोस्टेड चिकन की प्लेट अपनी ओर खींची और अपने चम्मच से रोस्टेड चिकन का एक पीस उठाते हुए अर्पिता की ओर देखकर पूछने लगा। वो रोस्टेड चिकन को देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ जाता। पिछली बार जब संजय ने अर्पिता से जो सेम डिश छीनी थी, ये चिकन उससे भी ज्यादा लाजवाब लग रहा था। अर्पिता हिचकिचा रही थी कि वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए संजय को रोस्टेड चिकन का एक पीस उसे देने के लिए कहे, तभी उसने देखा कि संजय अपनी चम्मच से उस चिकन को खा रहा था, जिसके बाद उसने अपनी सामने रखी प्लेट से लौकी के पराठे को उठाया और अर्पिता की प्लेट में रख दिया। तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा अगर तुम इतना चिकन खाओगी, तो लौकी के पराठे तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे।